दोस्तों LIC एजेंट्स का सबसे बड़ा कंपटीशन म्यूचुअल फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा दिखता है लेकिन LIC में रिटर्न बहुत कम दिखता है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी दिखती है लेकिन LIC में लिक्विडिटी नहीं दिखती है, जिस वजह से कई बार LIC एजेंट के हाथ से बिजनेस चला जाता है। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा रामबाण आज आपको मिस्टर अतुल जैन के द्वारा मिलने वाला है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी और रिटर्न को पूरी तरह से चित्त कर देता है। अतुल जैन एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है और दिल्ली से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो चलिए सुनते हैं म्यूचुअल फंड को मात देने वाला अतुल जैन का ये कॉन्सेप्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। VITV के आज के प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अतुल जैन फ्रॉम दिल्ली। 28 जून के मेगा शो में जो मेरा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और उसमें आप लोगों ने, जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और बहुत सारे लोगों दोस्तों का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे विशेष दी। उसके लिए आप सभी लोगों का, जो लोग आज का शो देख रहे हैं उन लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। उस दिन जो मेरी डिस्कशन थी वो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू कैसे हम MDRT, COD और TOTs कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई थी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मुद्दा शेयर करने वाला हूं जो लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक LIC की पॉलिसी के लिए डिस्कशन होता है तो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन मार्केट से मिलती है, उस ऑब्जेक्शन का नाम है कि म्यूचुअल फंड। तो मेरे जो भी दोस्त आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं आज, तो उससे उनको बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मैं ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो 2018 में मैंने पहली बार एक किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया था। उसके बाद से ये इस प्रोसेस को बहुत सारे जगह पे यूज किया गया, बहुत सारे हैंडबिल्स बन करके इस प्रोसेस को यूज किया गया। लेकिन 2018 का एक 14 फरवरी 2018 का वो दिन था जब मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने अपनी एक COT TOT कोर्स होता है उनका महाबलेश्वर में, वहां पे फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिला था, और उसमें मैंने ये आइडिया शेयर किया था। और इस आइडिया के बाद लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया और सब लोगों को लगा कि इस आइडिया से हम इस म्यूचुअल फंड के जो ऑब्जेक्शन को है इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो काफी उस आइडिया को काफी अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी भी किया, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किया और अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वो काम आया। दोस्तों ये एक ऑब्जेक्शन है, जितने भी लोग हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हैं उन लोगों को नॉर्मली पूछा जाता है, बताया उनसे डिस्कशन होता है, तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। तो मेरे साथ भी क्लाइंट यही बोलते थे कि जब म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, और मैं उनकी इस बात को, पता नहीं मैं खुद ही कन्विंस हो जाता था या मैं उनको इस बात का जवाब नहीं दे पाता था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, आप ये हमारी LIC की इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी एक रिजनेबली अच्छी रिटर्न्स देती है। लेकिन मैं उसको उस तरीके से समझा नहीं पाता था जब तक मुझे ये कंसेप्ट के बारे में, जब मैंने एजुकेशन लेते लेते जब मुझे ये कंसेप्ट के बारे में मेरे दिमाग में आइडिया क्रिएट हुआ कि इस तरीके से हम बात करें तो उसका एक सोल्यूशन अच्छा बड़ा निकल सकता है। तो दोस्तों मेरा डिस्कशन हुआ तो मेरे अपने क्लाइंट्स ने कहा कि भाई म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं, तो मैंने उनसे जस्ट एक आइडिया के लिए पूछा कि सर वो रिटर्न्स कितनी, नॉर्मली आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने रिटर्न्स देते हैं। तो किसी क्लाइंट ने बोला 10%, किसी क्लाइंट ने बोला 12%, किसी ने 15% भी बोला। तो फिर मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन था, सर मुझे इतना सा बता दीजिए कि ये जो म्यूचुअल फंड 12-15% की जो रिटर्न्स देते हैं, नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स लाता कौन है, कहां से, मतलब कौन म्यूचुअल फंड देता है। तो उन्होंने कहा कि सब लोगों की एक ही जवाब आया कि ये बैंक्स देते हैं म्यूचुअल फंड्स। मैंने कहा ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, और या कुछ इंश्योरेंस, कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी डायरेक्ट है, टेम्पलटन वगैरह जैसे और कुछ। तो उन्होंने कहा यस यही देते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि मैंने कहा सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप यदि एक आप हाउसिंग लोन लेते हैं, और हाउसिंग लोन लेते हैं तो वो कितने परसेंट पे मिलता है। तो उन्होंने कहा भाई ये 2018 की बात बता रहा हूँ, जब उसी टाइम पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चल रही थी,
तो उस टाइम पे कोई किसी ने कहा 8.5% पे, किसी ने कहा 9.5% पे, किसी ने कहा 9% पे हाउसिंग लोन मिल जाता है उस टाइम पे, उस टाइम की बात है। आज तो ये रेट्स 1% के करीब और कम है हमारे पास। यदि हम आज हाउसिंग लोन देखें तो 7.5-8% पे शायद मिल जाता है, यदि आपके सिविल स्कोर सही ही हो तो मिल जाता है इजीली। फिर मैंने पूछा कि ये हाउसिंग लोन कौन देता है, तो उन्होंने कहा कि ये हाउसिंग लोन भी ये बैंक ही देते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे कहा म्यूचुअल फंड भी यही देते हैं और हाउसिंग लोन भी यही देते हैं, फिर ये रिटर्न? नहीं सर, वो लॉन्ग टर्म की बात होती है ना, ये म्यूचुअल फंड में यदि आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसलिए आपको पैसे की रिटर्न थोड़ी ज्यादा 14-15% तक आराम से आ सकती है। फिर मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन दोबारा था कि सर ये हाउसिंग लोन जो हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके लिए हाउस लोन लेते हैं, वो नॉर्मली कितने साल के लिए होता है? कह रहे सर 15 साल, कोई कहता है 20 साल, ऐसे बोलते हैं, कोई 25 साल भी बोला। तो मैंने कहा सर ये क्या ये शॉर्ट टर्म होता है क्या, 15 साल 20 साल 25 साल, ये शॉर्ट टर्म होता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ये लॉन्ग टर्म होता है। मैंने कहा सर यही बैंक जब अपना पैसा 8%, 8.5%, 9%, 7%, 7.5% लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं, और वो भी साथ में एक चीज लगा के दे रहे हैं कि यदि हमारी मार्केट के अंदर, ये फ्लोटिंग रेट है सर, ये फिक्स रेट्स नहीं है, ये फ्लोटिंग रेट्स है, फ्लोटिंग रेट्स में यदि आपके रेट्स मार्केट में, यदि आपका रेपो रेट बढ़ेगी तो बढ़ेंगे रेट और घटेगी तो घटेंगे, मतलब फ्लोटिंग का मतलब ये होता है। तो मैंने कहा जब ये बैंक्स अपना पैसा आपके आपको इतने परसेंट पे दे रहे हैं, तो फिर आप उनसे ऐसे हाईएस्ट, इससे ज्यादा अमाउंट की उम्मीद कर सकते हैं? तो सब लोगों को लगा हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो मैंने जब अपने क्लाइंट से इस तरीके से बातचीत शुरू करी और उन लोगों को जब इस चीज पे कन्विंस किया, तो फिर उनको समझ आया कि हाँ ये बात मतलब करने जैसी बात है, जायज बात है कि जब हमारे पैसे, हमें जब जिस बैंक से पैसे सस्ते रेट्स में मिल सकते हैं, वो ही बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न्स कैसे दे सकते हैं। दूसरी चीज, मैं हमेशा म्यूचुअल फंड के, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं एक हमेशा एक एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन की बात करता हूं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से यही बोलता हूं कि सर देखो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे भी करनी है, हमें उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपना एक पैसा हमारे पास एक इतना जरूर दीजिए जो आपका सिक्योर हो, जिसके अंदर बीटा जीरो हो, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इंश्योरेंस आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सबसे बड़ा, जब म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐड आता है तो वो भी कहता है कि मार्केट के रिस्क के अधीन है, जब वहां पे लिख करके बोल रहे हैं कि ये मार्केट के अधीन है, तो फिर आप ऐसा कहां अपना फ्यूचर, जहां पे आपने अपनी रिटायरमेंट सेट करनी है, तो क्या आप मार्केट के अधीन अपनी रिटायरमेंट को सेट कर सकते हैं? क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप मार्केट के, क्यों क्या 60, आज आप यंग हैं, थोड़ा सा आप फिर भी कुछ चीजें झेल सकते हैं, यदि आपका रिटर्न 2-1% कम होता है तब भी झेल लेंगे, लेकिन क्या जब आपका रिटायरमेंट आएगा, जब आपको जिस टाइम पे आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत होगी, उस टाइम पे पता लगे कि मार्केट के रेट्स कम हो गए हैं और मार्केट क्रैश कर गया है, तो क्या आप उस झटके को उस एज के ऊपर ले पाएंगे? मेरा हमेशा अपने क्लाइंट से एक बात और कहने का है, मैं नॉर्मली बोलता हूं कि सर आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी जिन लोगों ने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लगाया है ना, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं हुआ, पैसा उन लोगों के पास ज्यादा हुआ है जिन्होंने कंसिस्टेंसी से रेगुलर सेविंग्स करी है। तो जब मैं ये बात करता हूं अपने क्लाइंट से, तो मुझे उससे उनका काफी मतलब समर्थन मिलता है। और फिर दूसरी बात यह है कि आप देख, जैसे जैसे मार्केट के अंदर रेपो रेट्स कम होती हैं, जिस तरीके से अभी आरबीआई ने रिसेंटली भी रेपो रेट्स कम करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डाउन हो रहे हैं, मार्केट के अंदर जब उथल पुथल चल रही है, तो आप अपना जो पैसा आपको सिक्योरिटी के लिए, अपने फ्यूचर पर्पस के लिए रखना है, वो मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, आप लोग इस पैसे को सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करो। इसके साथ मैं एक और बात ऐड करता हूं कि आप सिर्फ इतना देखिए कि मेरे पास पिछले कुछ साल, मैं 21-22 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हूं, और मैंने 21-21 सालों में ये देखा है कि मेरे पास ऐसे बहुत LIC के पास स्पेशली ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 20 साल की 25 साल की 30 साल की पॉलिसी चलाई है और उसकी मेच्योरिटी ली है। आप मुझे दिखाइए तो सही जी, म्यूचुअल फंड के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, मैं आपको करोड़ों लोगों की लिस्ट दिलवा सकता हूं LIC से, कि जहां पे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पॉलिसीज 25 साल 30 साल चलाई है और उसकी मेच्योरिटी ली है। आप मुझे कुछ ऐसे कुछ लाख लोग दिखा सकते हैं, कुछ 10-20 लाख लोग दिखा सकते हैं जिन्होंने 10 साल से 15 साल से 20 साल से सिर्फ चलाई है?
आप यदि हिंदुस्तान के अंदर यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देखेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हिस्ट्री देखेंगे, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में पैसे रुकते कितने दिन है। सबसे जब पैसे आपके जा रहे हैं और निकल रहे हैं, जमा कर आपने 6 महीने 8 महीने साल जमा किए और पता लगा कि मार्केट थोड़ी सी क्लैश कर गई और पैसे आपके थोड़े से कम हो गए, आप विड्रॉ कर लेते हो। कंसिस्टेंसी, आप रोक पैसा रोक रुकता कहां पे है? अब इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपने एक 20 साल की या 25 साल की पॉलिसी ले ली, आप उससे किसी भी एडवाइजर से, हमारे पास, मैं 25 सालों से 22 सालों से काम कर रहा हूं, मुझे तो किसी ने लोगों ने नहीं पूछा कि सर हमने अपने अपने एक हमारी LIC बनाई थी उसकी वैल्यू क्या चल रही है आज के दिन, कोई नहीं पूछता। इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू कोई नहीं पूछता, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका हर दूसरे तीसरे महीने स्टेटमेंट आती है, उसमें आपको पता चल जाता है आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, आपके 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उतनी जितना पैसा आपको दिखता है ना, उतनी जल्दी वो खत्म होता है। मार्केटिंग का एक रूल है सर, मार्केटिंग का एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है, और पैसे का ये रूल है कि जो दिखता है वो खत्म होता है। तो दोस्तों, आज मुझे लगता है कि जो एक बात मैंने आपसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड के साथ करी है कि हमारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन यदि म्यूचुअल फंड से हो रहा है, यदि आप इसको अपने अपने क्लाइंट से शेयर करेंगे, मुझे लगता है कि ये आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा, आप लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और मुझे आज की इस BITV के शो के में आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब जब हमें आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, हम आपके पास डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच अतुल जी, सच में आपका ये कॉन्सेप्ट आई ओपनर है। जो बैंक अपना पैसा 8% रिटर्न पर इन्वेस्ट करती है, वही बैंक लोगों को 8% से ज्यादा रिटर्न कैसे दे सकती है? भाई सोचने वाली बात तो है, लेकिन एक बात तो अतुल जी आपने सच बोली कि 15 साल 20 साल और 30 साल तक म्यूचुअल फंड में पैसा रखने वाले लोग दिया लेकर ढूंढने पर ही मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी रेशियो बहुत कम है, भाई ये बात तो 100% सच है। और इंश्योरेंस पॉलिसीज कंसिस्टेंसी देती है, और यह भी बात 100% सच है। अतुल जी, आपका लास्ट डायलॉग तो सुपर डुपर हिट है कि मार्केटिंग का रूल है जो दिखता है वो बिकता है, और पैसे का रूल है जो दिखता है वो खत्म होता है, ये भी बात 100% सही है। अतुल जी, आपने थोड़े ही समय में बहुत काम की बातें हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BITV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BITV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।